समीर ने भी बहुत मेहनत की है, एज अ मेरा स्टूडेंट है, इसने भी बोला सर मैं आपको स्टेज पे हेल्प करूंगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे आपको स्टेज पे हेल्प करना है, तो इसके लिए भी स्टार ट्रॉफी। थैंक यू समीर। अमित 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 प्लीज कम। अमित इसने भी बोला ये मेरा स्टूडेंट है, इसने भी बोला सर मैं आपको स्टेज पे हेल्प करूंगा, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो इसके लिए भी प्लीज एक स्टार ट्रॉफी लिया भाई। Requesting all models to please report in the wings. We are doing another photo op with the designer and the photographer. रैंप से स्टार्ट हो रहा है, कहीं हिलेगा मत, जाइएगा मत, जजेस प्लीज अपने सीट पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोमेंट वी ऑल बीन वेटिंग फॉर, द पीएस द रेजिस्टेंस एज द फ्रेंच वुड से, द ग्रैंड फिनाले, बट बिफोर दैट अ लिटिल बहुत खुश हूँ मैं आज जो नेचर से रिलेटेड जो मेकअप हेयर स्टाइलिंग दिखाने वाला चाहता था वो विश पूरा किया मैंने, और अभी तैयारी है हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड जाना है और ऑस्कर लाना है, नए नए लुक क्रिएट करने हैं, और बहुत खुश हूँ जो अलग अलग लुक बना रहा हूँ। आज का कार्निवाल बहुत सक्सेस रहा, अच्छा लगा। मेरी वाइफ हैं अमृता, इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। ऑल पार्टिसिपेट, ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल गेस्ट, सबको थैंक्स। और जो नेचर इंस्पायर्ड, बेसिकली मुझे कलर से बहुत प्यार है, और नेचर में सिर्फ कलर ही कलर, रेम्बो कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, तो मैंने काफ़ी सारे कलर्स को प्ले करते हुए डिफरेंट मेकअप किया है कि हर कलर दिखे, और कलर ही खूबसूरत है, खूबसूरती ही दिखाने के लिए कलर ही कलर है। थैंक यू। हमने देखा अभी आपने ये जो ब्यूटीफुल हेयर डू किया है 5 मिनट में किया है, और दीपिका पादुकोण का कुछ आपने कहा था, तो बताएंगे एग्जैक्टली क्या चीज है, किस क्या चीज आजकल डिमांड में है, बहुत ज्यादा मेसी लुक बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो कुछ नहीं होता, बालों को रब करके और बाल को पकड़ लो तो मेसी लुक हो जाता है, तो दीपिका ज्यादातर ऐसी करती हैं, तो सबको बहुत पसंद आता है, तो मैंने भी 2-5 मिनट में मैंने ऐसे ही मेसी पकड़ा और हेयर स्टाइलिंग बन गया, तो जस्ट लाइक एंजॉय करके करना है कोई भी चीज़, तो मज़ा आता है काम करने में। मुझे सबसे अच्छा अगर करना होगा और मिलता भी हूँ कैटरीना कैफ से, उनको नया लुक देना चाहता हूँ, एक ही लुक कैरी करती रहती है हर मूवी में, तो चाहूँगा कि वो डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट कलर के साथ प्ले करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगे, और मैं भी चाहूँगा कि मैं उनका डिफरेंट लुक क्रिएट करूँ। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि ब्राइडल रजवाड़ा लुक जो मैंने मॉडल्स को दिया है, और सारे मॉडल्स को डिफरेंट कलर के साथ प्ले किया है, और अभी डिमांड है नेचुरल मेकअप, नो एप्लीकेशन, मेकअप में कुछ दिखना नहीं चाहिए, एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, जैसे क्लाइंट्स आते बोलते हैं कुछ दिखना नहीं चाहिए मेकअप में, तो जितना कोशिश किया है कि एप्लीकेशन करने के बाद भी मॉडल्स, लड़की, ब्राइड जो भी हो, एक्ट्रेस, सब खूबसूरत दिखे बिना मेकअप के, लगना नहीं चाहिए कि मेकअप है, बट एप्लीकेशन इतना अच्छा होना चाहिए, सेटल्ड एंड ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, शेडिंग अच्छी होनी चाहिए कि लगना चाहिए कि नो मेकअप बिना किए भी बहुत खूबसूरत है। बेसिकली ये एवंटगार्ड लुक है, और हम लोगों ने इनको एवंटगार्ड लुक दिया है, इससे डिफरेंट आज हेयर स्टाइलिंग कुछ करके दिखाना है, कुछ न्यू क्रिएट करना है,
इसीलिए एक एवंगार्ड लुक दिया है और कलर के साथ प्ले किया, देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेड एंड आईज में, क्लोज योर आईज, डिफरेंट डिफरेंट शेड है एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ मैंने प्ले किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये मैंने रजवाड़ा लुक क्रिएट किया कि डिफरेंट एक लुक जो आज मेकअप आर्टिस्ट मांगते हैं कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, मुझे से कुछ करना है, तो मैंने उनको दिखाया कि कैसे आप लुक क्रिएट करो और एक रजवाड़ा लुक दो, अभी काफ़ी फैशन में है, इसीलिए डिफरेंट कलर के साथ प्ले किया है। मेकअप मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने किया है, हेयर स्टाइल मैंने किया है, हम लोग साथ में मिल के काम करते हैं और लोगों को पसंद आता है काम। बहुत ईजी है, बहुत हेल्प करते हैं मुझे और इन्होंने ही मुझे इस लाइन में आगे बढ़ाया है। एक्चुअली इट्स वंडरफुल, एक्चुअली मुझे लगता है कोई भी ऐसी वुमेन नहीं होगी जिसे मेकअप नहीं पसंद हो, ब्यूटीफुल दिखना नहीं पसंद हो, और अगर इतने सारे कलर्स के संग आप ब्यूटीफुल दिखें तो व्हाट बेटर। हेयर एंड मेकअप के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर नेचुरल मेकअप करिए, एप्लीकेशन दिखना नहीं चाहिए, और मैट लुक करिए। मैट लुक बहुत ज़्यादा, अगर जो अभी सीज़न चल रहा है उसमें मैट लुक करेंगे तो मेकअप बहुत ज़्यादा लाउड नहीं दिखेगा, सटल दिखेगा और नेचुरल दिखेगा, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि नेचुरल करने के लिए मैट इफ़ेक्ट ज़्यादा दे मेकअप के लिए। थैंक यू। हेयर के लिए अभी बहुत फैशन है कि डिफरेंट डिफरेंट रियल बालों से जो बना सके, आर्टिफिशियल हेयर जितना कम यूज़ करें उतना ज़्यादा अच्छा है। फ्लारी हेयर करिए, फ्लावर शेप करिए, मैंने अभी शो में काफ़ी सारे दिखाया कि फ्लावर शेप दिखाना है, फ्लावर शेप करना है, तो ऐसे काफ़ी हेयर से काफ़ी सारे फ्लावर बनाए जा सकते हैं, रोज़ लिली ऑल मेक किया जा सकता है, तो आप कर सकते हो। मेरी एकेडमी है लोखंडवाला में, तो जिसको सीखना है वो प्लीज़ आके मेरे एकेडमी में सीख सकते हैं, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर और मुझे मुझे जानना हो तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो अनुराग मेकअप मंत्रा, आपको सारे वीडियो मुझे मेरे दिख जाएंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स आई एम सो हैप्पी बिकॉज हर बार साउथ में अनुराग आते मेरे शोज़ के लिए, वी डिड अ रिसेंटली धनुष शो इन मलेशिया, इंडिया सेंसेशन, तो दिस टाइम आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम, सो फीलिंग सो हैप्पी। एंड अनुराग तो मेरा बहुत फेवरेट है, अभी उनके वाइफ भी बहुत फेवरेट हुए, सो आई एम जस्ट वांट टू विश हिम बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मिस हिम सो मच। एनीवे ही इज गोइंग टू गो अब्रॉड नाउ, आई विल मिस हिम सो मच। It was very interesting. I mean, I was very impressed, especially at the end when I saw all the creative hair designs. I think it's something I've never seen like that. So, how was your own experience getting ready? You look lovely. What do you have to say about how different was Anurag? You know, experiencing. I'm the wrong person to ask. I hate makeup. Yeah. I like my makeup is just washing my face. But yeah, no, it was good fun. I like it. I like how we creative he is with the hair. This is really something that impressed me, making the flowers and all of that. I think it's really beautiful. Any particular you're looking forward and you would tell Anurag, you know, put you in that look, that this is the look I like, and you know. I like the rose that he made for the other girl, no? That rose was very pretty. Today. Yeah. The theme is nature inspired. So what do you have to say about that particular? Can you tell us more about that? About the rose? I think it's beautiful how it's from the braids, it became these lace and then it became a rose. I think very pretty. I mean, I liked it that it was more like a show, like an entertainment format. So I think it's something very new and it was good to be part of it. Yes. And it's wonderful that to have, you know, husband and wife working together as a family and the kids there. I think that's really sweet. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, I have to...